हाँ जी बेटा, तो अब आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 20। दो पार्ट्स है यहाँ पे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो सर बड़ा ही ऑर्डिनरी सवाल है, इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटीज ज्यादा प्रिपेयर्ड होती है बंदों की, एसेट के बारे में थोड़ा कम लिखना जानते होते हैं। एक रिविजन लगा लेंगे बस, और क्या कहता। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, छोटे होते से पता है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, जिसकी एग्जिस्टेंस आगे जाके कंफर्म हो सकती है ओनली बाय अकुरेंस या नॉन अकुरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी ये इसमें ये भी समझाने लग गए कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट राइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दूसरा टाइप टू जो होता है इसका, क्योंकि यहाँ दो हिस्से होते हैं डेफिनेशन के, पहला हिस्सा बहुत आसान, दूसरा थोड़ा टेक्निकल। ये तो है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जो आगे जाके आएगी, जो आएगी या नहीं आएगी वो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब कॉन्टिन्यू लाइबिलिटी में और मतलब टाइम लिंब टू कहते हैं ना डेफिनेशन का पार्ट टू, यहां दिखाता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो फिर लाइबिलिटी मान लेते बेटा। नहीं सर, पहले और भी तो देखो ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट राइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, पर उसे हम रिकोगनाइज नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल कि आउटफ्लो सोर्सेज होगा, और रिलायबल एस्टिमेट लगाना भी बहुत मुश्किल है। इस पे मैंने बहुत तगड़े तगड़े एग्जांपल आपको केस स्टडी बना के दिए हुए हैं, बट अभी के लिए हम इसको नहीं करेंगे बात, क्योंकि फिर वो बहुत लंबी खिंच जाती है बात। एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बट शुड डिस्क्लोज इट। बिल्कुल जी, रिकॉग्नाइजेशन तो इसे मिलेगा नहीं, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिसोर्सेज इम्बॉइडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। डिस्क्लोजर दें अनलेस भी डाल दिया, अनलेस में लिख दिया अगर पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सिस इनवॉइडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट, मतलब कि अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो डिस्क्लोजर की भी जरूरत नहीं है। ये तो हुआ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जिसमें दो पार्ट हैं डेफिनेशन के, पहला पार्ट सबको आता होता है, दूसरा जहां पॉसिबल ऑब्लिगेशन है फिर भी उसे कॉन्टिंजेंट माना जाता है, लायबिलिटी नहीं माना जाता, कॉन्टिंजेंट ही माना जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि वहां प्रोबेबल नहीं होता कि आउटफ्लो रिसोर्सिस होगा या रिलायबल एस्टिमेट किया नहीं जा सकता उस ऑब्लिगेशन का। इसमें हमने कई रिटर्न्स वगैरह की पॉलिसीज बुक वगैरह के केस में काफी जगह पे एग्जांपल लिए थे कि जहां दिख जाता है कि पॉसिबल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है पर उनको पैसे देने नहीं पड़ने हैं। फिर आता है कॉन्टिंजेंट एसेट। कहते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट यूजली अराइज फ्रॉम अनप्लैंड और अदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू एंटरप्राइज। अब वहां आउटफ्लो होते हैं, यहां क्या होगा इनफ्लो। एग्जाम्पल इज अ क्लेम दैट एंटरप्राइज प्रसूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन। एंटरप्राइज मतलब केस कर दिया आपने किसी पे, उसमें आ सकता है क्लेम। एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज अ कॉन्टिंजेंट एसेट, इंपॉर्टेंट, सिंस दिस मे रिजल्ट इन अ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम दैट मे नेवर बी रियलाइज्ड। और अकाउंट्स के गोल्डन प्रिंसिपल भी इसके अगेंस्ट है, ऐसी चीजें नहीं करनी है हमने। हाउएवर When the realization of income is virtually certain, मतलब पक्का ही है, the related asset is not a contingent, फिर उसकी recognition appropriate है। अब important point, contingent assets को हम disclose भी नहीं करते हैं financial statements में, contingent liability को तो करते हो ना आप notes में। It is usually disclosed in the report of approving authority, मतलब board of directors, ठीक है ना जी, where the inflow of economic benefit is probable। Contingent assets are assessed continually. फिर इनकी असेसमेंट रीअसेसमेंट हम करते रहते हैं। इफ इट हैज बिकम वर्चुअली सर्टन कि इनफ्लो तो अब होना ही होना है तो एसेट रिलेटेड इनकम को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल देते हैं। बहुत बढ़िया जी। अब सर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन अल्फा वाला। अल्फा लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 7 करोड़ विद गामा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। प्रॉफिट ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज 1 करोड़। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ 19-20 फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अल्फा टू डिलीवर विद इन द शेड्यूल टाइम कॉम्पनसेशन ऑफ 2 करोड़ इज टू बी पेड टू गामा लिमिटेड। तो ठीक है भाई, अगर वो शेड्यूल टाइम में डिलीवर ना कर पाए तो उन्हें 2 करोड़ की कॉम्पनसेशन अपने कस्टमर को देनी होगी। अल्फा प्लान टू मैन्युफैक्चर द गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ 18-19। अब आप देख लो भाई, आपको डिलीवरी कब देनी है, फर्स्ट मंथ ऑफ 19-20, ठीक है। एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, पास आ गया समय, द गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, है ही नहीं माल तैयार,
एंड इट वॉज अनलाइकली दैट अल्फा विल बी इन ए पोजिशन टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. और कहता कोई आसार दिख भी नहीं रहे. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज अल्फा ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी सॉरी इन लाइन विद एस 29. सर ये तो प्रॉबेबल लग रहा है कि पे करना पड़ना है क्योंकि आपकी कोई तैयारी है नहीं, माल बनाया नहीं आपने, महीना आ गया, फर्स्ट मंथ में डिलीवरी थी वहां पे, डिलीवरी इज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ. तो यहाँ तो पता ही है कि प्रोविजन बनेगी. व्हेन एन एंटरप्राइज हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट दैट प्रॉबली रिक्वायर्स द आउटफ्लो रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो उस प्रोविजन को बुक कर लेना चाहिए. अल्फा हैज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स विद इन द शेड्यूल टाइम. इट इज प्रोबेबल अल्फा विल फेल टू डिलीवर द गुड्स. कहता आपकी जिम्मेवारी है कि सही समय तक डिलीवर करना है और साफ दिख रहा है आपसे होना नहीं. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन. तो हमें एक कंटीजेंसी 2 करोड़ की प्रोवाइड कर लेनी चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है. तो ये जी आपका एडवांस अकाउंट का आरटीपी यहाँ खत्म होता है जी. होपफुली आपको सारा डिटेल जो चाहिए था वो मिल गया. ओके जी बेटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.